नमस्कार, मैं पवन कुशवाहा हमारे खास कार्यक्रम स्मरण में तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के बुद्ध बक्से यानी ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हुए टीवी की। 25 अप्रैल 1982 का वह ऐतिहासिक दिन था जिसने हम भारतीयों के जीवन में मनोरंजन को ब्लैक एंड वाइट से बाहर निकाल कर रंगीन दुनिया में बदल दिया था। उसका माध्यम चाहे एशियाई खेल बने हो, मगर इस रंगीन टेलीविजन के आगमन ने हमारे मनोरंजन जगत को पूरी तरह बदल दिया था। भारत में टेलीविज़न के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई गुदगुदाती यादें ताज़ा हो जाती है, तो इस जमाने में टीवी की लोकप्रियता को टक्कर दे पाना आज भी मुश्किल है। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण तो 1959 में शुरू हो गया था, मगर उसके धीमे सफ़र को इसको श्याम श्वेत में रंगीन होने में बरसों लग गए। मगर जैसे ही टीवी की दुनिया रंगीन हुई, इसके बाद लोगों में इसका इतना क्रेज हुआ कि रंगीन टीवी सेट की दोगुनी कीमत तक लोग देने को तैयार थे। यूनेस्को ने भारत को दूरदर्शन शुरू करने के लिए लगभग $2,000 और 180 टीवी सेट दिए थे। कभी एंटीना ठीक होने के लिए आवाज़ लगाने से अब आपकी आवाज़ पर चैनल बदलने वाले टीवी ने करीब 96 वर्ष का सफ़र पूरा कर लिया है, जिसमें 39 साल का यादगार रंगीन सफ़र है। और रंगीन टीवी ने दूरदर्शन का क्रेज भी ऐसा बढ़ा कि समृद्ध लोगों के लिए कलर टीवी स्टेटस सिंबल बन गया था। भारत ने नवंबर 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की और भारत सरकार ने खेलों का रंगीन प्रसारण किया। इसके बाद 1980 के दशक को रंगीन दूरदर्शन का युग कहा जाने लगा। इस कलर टेलीविज़न के दौरान इस पर हम लोग भारत पाकिस्तान आज़ादी के रिश्तों पर बनी धारावाहिक बुनियाद, तो धार्मिक सीरियल रामायण और ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत का प्रसारण किया गया। तब रामायण और महाभारत जैसे जन लोकप्रिय सीरियलों के प्रसारण के वक्त गांव से लेकर शहरों तक आघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी। भारत में कुछ बड़े शहरों शुरू हुए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सफर ने रंगीन होकर आज देश की लगभग 90% जनता का मनोरंजन मुहैया कराया है। तो आज दूरदर्शन के पास 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्र चैनल के साथ कुल 21 चैनलों का प्रसारण करता है। मानवीय जीवन में मनोरंजन के सबसे बड़े यंत्र ने हमें मनोरंजन के साथ साथ हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के साथ ही देश विदेश तक की जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम स्मरण, और मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।